राम मंदिर पर देश का मूड आपने समझ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको बेल मिलेगी या फिर उनके दिन जेल में ही कटेंगे, इस बात का फैसला कल दिल्ली कोर्ट में होने वाला है। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इसके अलावा शराब नीति केस में आज का दूसरा बड़ा डेवलपमेंट और सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के पहली पंक्ति के नेताओं के बाद अब क्या दूसरी पंक्ति के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू होने वाली है। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि आज प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक से शराब नीति केस में पूछताछ की है। ईडी ने दुर्गेश के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार से भी पूछताछ की है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी आज दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकाले गए विधायकों ने केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल बोर्ड घोटाला केस में भी सीएम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर डाली। बीजेपी ने इस घोटाले को शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया है। पूरा का पूरा 28,400 करोड़ का तो गबन बताया गया है, 73,000 करोड़ का लोन बताया गया है, 58.28% पानी ऐसा जिससे एक रेवेन्यू नहीं आता, 15% पानी। अब आपको बताते हैं कि जल बोर्ड घोटाला क्या है जिस पर बीजेपी इतना हमलावर हो रही है, क्यों इतनी अटैकिंग मोड में दिख रही है। बीजेपी का आरोप है कि 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। ध्यान से, पहली कैटेगरी में सिर्फ अपग्रेडेशन, जबकि दूसरी कैटेगरी में प्लांट की क्षमता बढ़ाने का ठेका था, और इसी में घोटाले का पूरा खेल छिपा हुआ है बकौल बीजेपी। बीजेपी ने जल बोर्ड मामले में 28,400 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है। शराब के बाद अब जल बोर्ड घोटाले के आरोप आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली सरकार पर कई घोटालों के आरोप लग चुके हैं, जिसमें आप याद कीजिए दिल्ली में स्कूल में क्लासरूम बनाने में घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच घोटाला, दवाई घोटाला, मुख्यमंत्री आवास रेनोवेशन में घोटाला, ये तमाम आरोप पहले भी लगे हैं। बसों में पैनिक बटन के नाम पर घोटाला, लो फ्लोर बसेस में खरीद में घोटाला, सरकारी विज्ञापनों के नाम पर घोटाला और फीडबैक यूनिट घोटाला, इन तमाम आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही घिरी हुई है। इन आरोपों में शामिल ये पूरी की पूरी फहरिस्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी मुसीबत दिल्ली शराब घोटाला है, जिसके बीच चुनाव दिल्ली के मुख्यमंत्री को परेशानी में भी डाल रहा है। मुख्यमंत्री को उसने जेल में पहुंचा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आपके सांसद संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के इन दिग्गजों के बाद अब ईडी ने आगे का एक्शन तेज कर दिया है। आरोपियों की फेहरिस्त में नए नाम जुड़ने लगे हैं और शुरुआत हुई दो नामों से, पहला मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार और दूसरा आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक, जिनकी शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आज ईडी के सामने पेश हुई, और इसके साथ ही पहले से चल रही सियासी जंग और तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने फिर मामले में बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं की। ईडी एक्शन में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है। ईडी तो उसका एक सब्साइडरी है, उसको ऑर्डर आता है ईडी करती है, बेचारे ईडी क्या करेंगे। ईडी को तो इन्होंने डिसॉल्व कर दिया है और ये करेंगे। हमने कुछ दिन पहले ही आपको बता दिया था, आपके माध्यम से देश को बता दिया था कि ये इनके एजेंडा में है कि कई सारे आम आदमी पार्टी, अब इनको दर्द ये हो रहा है कि केजरीवाल, पहले इन्हें लगा कि केजरीवाल को अंदर कर दो पार्टी टूट जाएगी, अब इनको ये लग रहा है यार पार्टी तो टूट नहीं रही है, इनकी पार्टी तो चल रही है, इनकी पार्टी तो दौड़ रही है। अब ये देख रहे हैं कि और बाकी कौन कौन है जो पार्टी चला सकते हैं या पार्टी चल क्यों रही है, तो सारे लीडरों को ये जेल में डालने की इनकी षड्यंत्र है और ये तो करेंगे, इसमें कोई नया बात नहीं है। दुर्गेश पाठक का नाम किसने लिया था?
आतिशी ने शायद, तो जांच अभी चल रही है, देखिए कहां कहां जाती है। दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली है, वो इनके भ्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट देके देगी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ करेगी। दरअसल मामले में मुख्यमंत्री तक की गिरफ्तारी और मनी ट्रेल का पता लगा लेने का दावा करने वाली ईडी अब इससे जुड़े लोगों से पूछताछ के जरिए मामले की तह तक जाने में जुटी है। ईडी शुरू से ही केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाती रही है और अब उन्हीं सवालों का जवाब वो उनके पीए से जानना चाहती है। वहीं दुर्गेश पाठक से पूछताछ के जरिए ईडी गोवा चुनाव में पैसे कहां, कब और कैसे खर्च हुए इसकी जानकारी जुटाना चाहती है, क्योंकि गोवा विधानसभा चुनाव के वक्त दुर्गेश पाठक ही पार्टी के इंचार्ज थे। जाहिर है अब इन दोनों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अलग अलग घोटाले के आरोप में इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायकों समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साल 2015 में फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई। 2015 में ही विधायक मनोज कुमार धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हुए। 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, जबकि उस साल दिल्ली वक्फी मामले में अनतुल्ला खान को गिरफ्तार किया गया। और पिछले करीब एक साल में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक गिरफ्तार हो चुके हैं। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारियों का ये सिलसिला और बढ़ सकता है। आम आदमी पार्टी इस मुसीबत को अच्छी तरह से जानती है और इसलिए उसने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया है और इसी के तहत आज जेल का जवाब वोट से थीम के साथ लोकसभा चुनाव के कैंपेन की शुरुआत की गई। तो वहीं बीजेपी भी चुनाव में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर मैदान में बाजी मारने की तैयारी में जुटी हुई है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर पिछले 2 बार से फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। तो वहीं कौन ये तो राजनीति की बात थी, राजनेताओं की बात थी, लेकिन अब बात कर